खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 14 अक्टूबर है और दिन है शनिवार। आज सरसों के बाजार में काफी सुधार दिखाई दे रहा है, काफी तेजी बनती जा रही है और बाजार में जो है रौनक बढ़ती जा रही है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी स्थिति जो आवक की बनी है वो काफी कमजोर हुई है। आज आवक रह गई है 2.5 लाख बोरी के आसपास। कल तक जो 4 लाख बोरी की आवक थी, लगातार 4 लाख बोरी चल रही थी पिछले 3-4-5 दिन से, आज उसमें काफ़ी गिरावट आई है। कुछ कई कारण हो सकते हैं उसके, और आज क्योंकि आज अमावस्या का दिन है तो लोगों की व्यस्तताएं अपने घरों में अधिक हो सकती है, इस कारण से भी हो सकता है। लेकिन कुछ इस तरह के संकेत भी हैं कि बाजार बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए बाजार में जो किसानों ने या व्यापारियों ने अपना माल, अपना जो स्टॉक है वो रोक लिया है और उसको बिकवाली करने से मना कर दिया है, शायद इस तरह से सोचा जा सकता है। और आज जो भरतपुर मंडी का भाव है वो 5600 रुपये तक पहुंच गया है। कल 5560 रुपये भाव था, आज 40 रुपये का सुधार हुआ है। दिल्ली चरखी दादरी लाइन पर 100 रुपये का बाजार सुधरा है, 5600 का चरखी दादरी का भाव 5700 हो गया है और दिल्ली 5750 रुपये पर आ गई है। इसी तरह से जो जयपुर का भाव है उसमें 25 रुपये का सुधार हुआ है। कल 5925 का भाव था, आज 5950 रुपये का भाव है। एक स्टेप की दूरी है, एक या दो स्टेप के अंदर ये भाव 6000 तक होने की संभावना बन सकती है। और आज जो सरसों का तेल है उसके अंदर भी थोड़ा सा सुधार हुआ है। कल 1053 रुपये का भाव था और आज है 1055 रुपये का भाव। कल 1052 रुपये का भाव था, आज है 1055 रुपये का भाव। सरसों एक्सपेलर भाव 10 किलो जयपुर का, और जयपुर का भाव सरसों का मैंने आपको बता ही दिया। सलोनी प्लांट में आज 3 प्लांटों के भाव जो है वो 6400 रुपये हो गया है, 3 नहीं 4 प्लांटों के। शमशाबाद, आगरा, दिगनेर और अलवर, इनका भाव 50 से 75 रुपये बढ़ा है और 6400 रुपये का भाव हो गया है। कोटा का भाव रहा है 6350 रुपये, कोटा 50 रुपये कमज़ोर है लेकिन कल से 50 रुपये बढ़ा है। इसी तरह से जो दूसरे प्लांट हैं उनके अंदर भी बाजार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो गोयल कोटा का भाव है उसमें कोई तब्दीली अभी तक नहीं आई है। 5850 रुपये का भाव जो है उस पर स्टेबल है बाजार। बाजार में और कितनी तेजी आएगी, बाजार में और आगे क्या स्थितियां बनेगी, उस पर बात करने के लिए शाम को 5 बजे एक वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।